नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल कार एंड टायर ब्लॉग में। आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत सारा ध्यान रख रहे होंगे। आज की जो वीडियो बहुत ही सिंपल बनाने वाले हैं, वो भी किस वजह से कि हमारे सामने जो आप टायर देख रहे हैं, ये सामने टायर देख रहे हैं 2020 का टायर है दोस्तों, बिल्कुल नया टायर है। ये क्या है कि इसमें आप ऊपर से देखेंगे कि फट चुका है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे फटा हुआ है। ये इसकी बेल्ट की तरफ से फटा हुआ है, ये देखो पूरी इसकी खाल जो है वो उतर चुकी है, बेल्ट की खाल उतर चुकी है। और इसमें मैं आपको बताऊंगा कि खाल किस तरह उतरी है और टायर कैसे फटा है, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो दोस्तों, जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि टायर क्यों फटा है और किस वजह से फटा है, उस बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। पहले मैं आपको बता देता हूँ ये टायर किस गाड़ी का है। ये सामने गाड़ी खड़ी है, ये देखिए बहुत ही लंबी गाड़ी है। तो ये इस साइड का टायर, आप पीछे जो गाड़ी में टायर लग रहे हैं ना, वहाँ पीछे तीन कॉलम देख रहे होंगे, तीन साइड के टायर लगे होंगे, वहाँ का टायर है ये दोस्तों। अभी स्टेपनी लगाई हुई है वहाँ पे, वहाँ से हटा के इस टायर को यहाँ पे निकाल दिया गया है। और इसमें ये मैं आपको बता देता हूँ कि ये फटा क्यों है। इसमें जो है कुछ कट लगी है, ये आप देख रहे हैं यहाँ से। ये टायर अगर बिना कट के फटता तो कंपनी इसको क्लेम करके देती। यहाँ पर जो है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके अंदर के तार वगैरह सब निकल गए, तो यहाँ पर जो है कुछ कट लगी है, उसकी वजह से ये पूरी बेल्ट उतर गई है, पूरी बेल्ट फट गई है और ये टायर भी ख़राब हो चुका है। अभी जो है ये टायर एक ही जोड़ा, एक ही चक्कर चला था, मान लीजिए आप 1000 किलोमीटर भी नहीं चला होगा और उससे पहले जो है टायर फट गया, बेकार हो गया। तो जो गाड़ी मालिक है उसके लिए तो ये करीबन 23-24 हज़ार रुपये का नुकसान हो गया। एक टायर का चला भी नहीं और अभी ख़राब हो चुका है, इस टायर का कुछ हो नहीं पाएगा। तो आप भी जो अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो आपको कुछ बातें ध्यान में रखनी पड़ती है, जिसकी वजह से जो है आप अपने टायर की लाइफ बढ़ा सकते हैं। तो यही कारण था इस टायर के फटने का। मान लीजिए अगर ये टायर यहाँ से फटा है और ये बेल्ट अगर सेपरेशन होती, मान लीजिए बेल्ट फुली होती, तो कंपनी इसको क्लेम करके देती, पर अभी ये बेल्ट फुली हुई नहीं है, इसमें कट लगा है, उसकी वजह से टायर ब्लास्ट हुआ है, फटा है, तो कंपनी इसको क्लेम नहीं करेगी। ये कस्टमर का नुकसान है और साथ के साथ गाड़ी का भी नुकसान है। तो गाड़ी अगर आप चलाते हैं तो देख के चलाइए, अपने नुकसान से बचने के लिए आपको कुछ एक तरीके जो है वो अपनाने पड़ेंगे कि गाड़ी का आप जो है ज़्यादा स्पीड पे ना चलाएं और ऐसे रास्ते पे चलाएं जहाँ पे ज़्यादा पत्थर, कंकर या एंगल वगैरह ना हो। तो वीडियो में अगर आपको अच्छा कुछ लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नए नए कंटेंट आपके लिए लाते रहें और नोटिफिकेशन के साथ आपको नई नई वीडियो बनाते रहें और दिखाते रहें। तो ये सामने वो ट्रक था जिसका वो टायर था। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा।